दोस्तों नमस्कार। 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएँ। नाम से ही साफ है कि आज के दिन ही यानी 15 अगस्त को ही भारत को ब्रिटिश गुलामी, लालची, गद्दार और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। हम सब यही जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता देने के लिए जून 1948 का समय तय था? तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि 15 अगस्त 1947 यानी करीब 10 महीने पहले ही अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो गए थे? हम में से तमाम लोगों को पता होगा या तमाम लोग यह जानते होंगे और लोग गाते भी हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल। इनके दबाव में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधीवादी शांति आंदोलनों के कारण भारत अंग्रेज छोड़कर गए, अन्य तमाम कारण भी थे जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन एक बड़ी वजह थी। लेकिन अंग्रेजों की निगाह में यह भी बड़ी वजह नहीं थी। तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, बड़ी वजह वो थी जो विश्वव्यापी परिस्थितियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां जन्मी जिनमें अंग्रेजों का भारत में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए अंग्रेज किसी भी तरह से भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे और ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने के लिए अमेरिका का भारी दबाव था। अमेरिका की तत्कालीन सरकार ब्रिटेन को इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वह भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर नहीं बल्कि एक संपूर्ण भारत, जिस जो टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, एक मजबूत भारत छोड़ करके जल्द से जल्द वह पीछे हटे, वह जाए। अमेरिका का भारत की आज़ादी में क्या योगदान है, इस बात को हम भारत के लोग या तो नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो बहुत कम जानते हैं। ऐसे अन्य तमाम मुद्दे हैं जैसे कश्मीर दो हिस्सों में बट गया। भारत में हम या हमारे जैसे तमाम लोग इस बात को जानते हैं और तमाम पुस्तकों में यही अब तक लिखा और पढ़ा गया है कि पाकिस्तान ने जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा करने के लिए आक्रमण किया और महाराजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में करने के लिए विलंब कर रहे थे, वह दुविधा में थे। इसलिए पाकिस्तान कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल हो गया, जब तक कि भारत की सेनाएं कश्मीर में दाखिल हुई तब तक पाकिस्तान बड़ा हिस्सा ले चुका था, कब्जा कर चुका था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले के जाने के बाद भारत ने कदम पीछे खींच लिए। इसलिए दोनों के हिस्सों में जो आबादी, जो क्षेत्रफल रह गया, उस पर दोनों लोग काबिज हो गए। सत्य यह नहीं है। आप ठीक सुन रहे हैं,
सत्य इससे इतर है। कश्मीर पर पाकिस्तान को कब्जा दिलाने के लिए अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेजों की यह कोशिश थी कि पूरे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा रहे। क्यों रहे? उनको रूस से डर था कि रूस इस हिस्से में, एशिया के इस हिस्से में ज़्यादा दखल न देने पाए, इस हिस्से तक वह कब्जा न कर ले। इसलिए ब्रिटेन ने अपने लाभ के लिए भारत को आज़ाद किया, अमेरिका के दबाव में भारत को आज़ाद किया। तो फिर यहाँ यह भी सवाल खड़ा होता है कि जो भारत के आंदोलनकारी थे, गांधीवादी भी और क्रांतिकारी भी, उन लोगों की क्या भूमिकाएं थी, या जो उनके नेतृत्वकर्ता थे उन लोगों की क्या भूमिकाएं थी। ऐसे तमाम सवालों को हम में से तमाम लोग या तो जानते नहीं, या जैसी इतिहास की पुस्तकें लिखी गईं उनमें इस बात को पढ़ाया भी नहीं गया और उनका जिक्र भी नहीं हुआ। हम आज़ादी का आंदोलन पढ़ते हैं, भारत के विभाजन को लेकर भी तमाम पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन सत्य से बहुत दूर रहते हैं। तमाम जगहों पर तलाश करते हुए एक पुस्तक मेरे हाथ आई। यह पुस्तक लिखी है नरेंद्र सिंह सरीला ने। नरेंद्र सिंह सरीला कौन थे यह भी जान लीजिए, तब पुस्तक का नाम बताऊंगा। नरेंद्र सिंह सरीला लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी थे। आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक में कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। सरीला माउंटबेटन के एडीसी होने के नाते भारत के तमाम नेताओं के द्वारा माउंटबेटन समेत ब्रिटेन के साथ की जाने वाली तत्कालीन लिखापढ़ी, की जाने वाली बातचीत की जानकारी रखते थे। यही नहीं, अमेरिका से जो दबाव ब्रिटेन पर पड़ता था और छन कर उसकी जो जानकारियां भारत आती थीं, उससे भी वह रूबरू थे। इसके अलावा उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए भारत ही नहीं, भारत समेत ब्रिटेन और अमेरिका के तमाम उन सरकारी गैर सरकारी संग्रहालयों की खाक छानी। इस पुस्तक की प्रस्तावना में जो लिखा है उसका एक हिस्सा भी मैं पढ़कर आपको बताता हूँ कि इस पुस्तक में कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। लेखक ने जानकारी प्रस्तावना में दी है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के ओरिएंटल और भारतीय खंड में शोध किया, बल्कि साउथैम्पटन में हार्टले पुस्तकालय में, जहां लॉर्ड माउंटबेटन के अभिलेख रखे हैं, और पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस जो कि क्यू में है, जहां अधिकांश ब्रिटिश मंत्री और विदेश अधिकारी अपने गोपनीय कागज पत्र जमा करते हैं, वहां भी मैंने अध्ययन किया। साथ ही अमेरिकी शासकीय अभिलेखागारों में सन 1942 से 1948 के मध्य राष्ट्रपति रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा उस काल में भारत के लिए नियुक्त विशिष्ट दूतों के गोपनीय पत्र व्यवहार भी मैंने देखे। उनमें घुसे और दोनों देशों की सरकारों की अनुमति से तमाम गोपनीय पत्रों को हासिल किया, उनको देखा, उनसे उन तथ्यों को निकाला जिनसे उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है विभाजन की असली कहानी। इस पुस्तक में भारत के विभाजन के दौरान की राजनीतिक परिस्थितियां
उस दौरान आंदोलन कर रहे नेताओं की ब्रिटिशर्स के साथ यानी अंग्रेजों के साथ जो भारत विभाजन करने के दौरान भी हिंदू बनाम मुस्लिम का षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन देश के बंटवारे को लेकर सरीला का मानना है यह बंटवारा हिंदू मुस्लिम आधार पर नहीं हुआ, यह बंटवारा तत्कालीन राजनैतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में वह यह बताते हैं कि तमाम ऐसे क्षेत्र रहे जो भारत में रह गए मुस्लिम बाहुल्य थे, पाकिस्तान में तमाम ऐसे क्षेत्र गए जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, पाकिस्तान के अंदर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समेत कई हिस्सों के लोग मुस्लिम नेता इस बंटवारे के खिलाफ थे। इसके बावजूद अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया और विभाजन के लिए कांग्रेस नेताओं को लॉलीपॉप थमाया, उनको उनकी पसंद की जैसी बातें वह पसंद करते थे वैसी बातें उनके सामने की। पाकिस्तानी के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना समेत अन्य, उनके सामने ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने वाली बातें की और पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार था कि वह स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करेगा, ब्रिटेन का इस हिस्से में उसकी जो भी ज़रूरतें होंगी राजनैतिक रणनीतिक रक्षा संबंधी उनमें वह सहयोगी की भूमिका निभाएगा और मध्य भारत में एक कवच की तरह काम करेगा। जबकि भारत पर या कांग्रेस के नेताओं पर अंग्रेजों को भरोसा नहीं था, इसलिए वह पाकिस्तानी नेताओं यानी मुस्लिम नेताओं के साथ षड्यंत्र करके उसको अधिकतम लाभ पहुंचाना चाहते थे। नरेंद्र सिंह सरीला की इस पुस्तक का अनुवाद जो किया है वर्षा सुरवे ने किया है। पुस्तक और लेखक के बारे में कहा है वह मैं इसको पढ़कर आपको बता रहा हूँ और साथ में यह भी कि इस पुस्तक के कई हिस्सों से अगले कुछ दिनों में अलग अलग वीडियो के जरिए तमाम तथ्यों को सामने रखूंगा और यह वीडियो आपको नेशनल व्हील्स यूट्यूब चैनल पर देखने को सुनने को मिलेंगे। तो यह जानिए कि इस पुस्तक के बारे में था कि विभाजन की असली कहानी सत्ता एवं विश्वासघातों का वह आख्यान है जो उद्घाटित करता है कि भारत के बंटवारे के समय अंग्रेजों के असल उद्देश्य क्या थे और किस तरह भारतीय नेतृत्व उनसे मात खा गया। भारत के विभाजन एवं अंग्रेजों की आशंकाओं के मध्य निर्णायक कड़ी थी सोवियत संघ का मध्य पूर्व में ऊर्जा के तेल कुओं पर नियंत्रण, जिस पर इतिहासकारों एवं विश्लेषकों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश नेताओं ने जब भांप लिया कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता सोवियत संघ के विरुद्ध महाखेल में उनका सहयोग नहीं करेंगे, तब उन्होंने ऐसी परिस्थिति तैयार करने की सोची जो उनका मंतव्य पूरा करने में सहायक हो। इस प्रक्रिया में वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस्लाम का राजनैतिक इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचके। किस तरह पर्दे के पीछे इस योजना की कल्पना की गई और कैसे इसे कार्यान्वित किया गया, यही सब विभाजन की असली कहानी की विषय वस्तु है। आगे वह लिखती हैं, लेखक द्वारा खोज निकाले गए अति गोपनीय दस्तावेजी सबूत महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल,
क्लीमेंट एटली, लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, वीपी मेनन एवं कृष्णा मेनन जैसी कई विशिष्ट हस्तियों पर रोशनी डालते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु उन अल्प ज्ञात तथ्यों को भी प्रकाश में लाती है जिनका संबंध अमेरिका द्वारा एक नई उत्तर औपनिवेशिक विश्व व्यवस्था विकसित करने की आशा के सहयोग के अतिरिक्त भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में ब्रिटेन पर बनाए गए परोक्ष दबाव से है। लेखक ने वर्तमान कश्मीर समस्या के मूल कारणों और संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर हुए विचार विमर्श की रूपरेखा भी यहाँ प्रस्तुत की है। विभाजन की असली कहानी पुस्तक वर्तमान भारतीयों के लिए एक चेतावनी है कि वे उस अति आदर्शवाद, अति गर्व एवं पलायनवाद से बचें जिनके शिकार उनके कुछ पूर्वज हो गए थे। लेखक ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने भारत की आज़ादी के बारे में जो अप्रत्यक्ष सहयोग किया उसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आई है। अमेरिकियों का मानना था कि एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों का राज समाप्त होने की ज़रूरत है, अगर यह नहीं होगा तो वामपंथियों जो सोवियत संघ से जुड़े थे का जोर बढ़ जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप नेशनल व्हील्स यूट्यूब चैनल को निरंतर देखें और सुनें, और इस चैनल पर अगले कुछ दिनों में सिर्फ विभाजन और कश्मीर का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि इसमें धारा 370 को समाप्त करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में वाद की सुनवाई चल रही है। धारा 370 पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, वह न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में सुनवाई उसकी हो रही है। हम चर्चा करेंगे कि कश्मीर पर गद्दार षड्यंत्रकारी अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को कैसे धोखे में रख कर पाकिस्तान को लाभ पहुंचाया, कैसे अंग्रेजों ने पाकिस्तान को उकसाकर पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर कश्मीर पर उनका कब्जा होने में मदद की, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए नेशनल व्हील्स यूट्यूब चैनल। नमस्कार।